टू माई चैनल लर्न मी द स्टडी। दोस्तों, जो मैंने आपको कल एक वीडियो डाला था कि आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, मैंने आपको वहां पे चॉइस दिया था। तो फाइनली मैंने टू सब्जेक्ट आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके सबसे ज्यादा जो कमेंट्स थे, सबसे ज्यादा जो कॉमन थे, वो चीज के अकॉर्डिंग मैंने दो सब्जेक्ट आपको चूज कर लिया। और दो सब्जेक्ट की प्रॉपर आपको डेली वीडियो मिलेगी। अब कैसे कैसे कौन सा सब्जेक्ट है वो चीज बताने के लिए मैं आपको बताता हूं। देखो, आपके 70% जो थे ना कमेंट्स, वो आपको थे मैथ और जीके जीएस। देखो, अगेन मैं आपको बता दूं, कुछ और सेकेंड पॉइंट पे जो चॉइस था वो था क्या, मैथ एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ना ही मैं आपको, देखो ना ही मैं आपको, आप जो मैथ और जीके जीएस है ये तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं दूंगा, और साथ ही साथ इंग्लिश के लिए भी मैंने एक वे अपनाया है। इंग्लिश पहले मैं वोकैबुलरी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आपको डेली क्या करूंगा, 10 वोकैब मैं प्रोवाइड करूंगा। और ये 10 वोकैब की वीडियो ये उस वे से नहीं होगी। देखो, वोकैबुलरी पढ़ने के भी बहुत सारे वे होते हैं, मेरा वे थोड़ा सा डिफरेंट मैं मेरा कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, आपको 10 वोकैब कराऊंगा। 10 वोकैब के बाद उसके बाद मैच द कॉलम होगा, उसी 10 वोकैब का मैच द कॉलम। देखो, एक बार वोकैब आप यहां पढ़ोगे, दूसरी बार मैच द कॉलम करोगे, थर्ड बार आपको क्या फिल इन द ब्लैंक करना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि सेम क्वेश्चन को आप 3 वे से करोगे। आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानो, जितना आपको अभी जीके जीएस पसंद आ रहा था, मैथ पसंद आ रहा है, उतना ही आपको वोकैबुलरी भी पसंद आएगी। वोकैबुलरी कराने के पीछे मैंने आपको बता दिया ना, जैसे देखो मैंने बोल दिया कि ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, कि कोई भी पर्सन अपने ही बारे में सोचे, मतलब सेल्फ के बारे में, इसको बोलते हैं आई मी फर्स्ट। बट सबसे बड़ी चीज है ना, कि जब मैं इसको, देखो एक बार आपने क्या किया, इसका मीनिंग जान गया, दूसरी बार आपको क्या होगा, मैच द कॉलम होगा। जैसे 10 मैंने ले लिया तो उसका रैंडमली आपको यहां पे मिलेगा, तो आपको मैच करना है कि कौन सा किसका सही है। ठीक है, थर्ड चीज आपको क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक, मतलब सेंटेंस दिया होगा उसमें फिल इन द ब्लैंक, वही जो आप 10 वोकैबुलरी पढ़े थे उसी में से कोई ना कोई फिलअप करना पड़ेगा। यानी कि एक चीज नहीं है, आपको 3 चीजें हैं, और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सारा कुछ जानने की कैसे आपको देने वाला हूं। तो देखो, आपको सबसे पहले बता दूं, मैथ की आपको डेली 2 वीडियो दूंगा। और देखो, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये मैथ की वीडियो तो ऑलरेडी राकेश यादव क्लास नोट्स करा चुका हूं मैं, फिर ये क्यों दे रहा हूं। तो देखो, राकेश यादव क्लास नोट्स कराया था, वो रैंडमली बुक्स है। रैंडमली का मतलब उसमें हर चीज कॉन्सेप्चुअली नहीं दिया हुआ है। और ये जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये प्री और मेंस लेवल दोनों के लिए। अगर यकीन नहीं है तो आप वो देख लो, टाइम एंड वर्क मैं स्टार्ट किया हूं, 7 पार्ट दिया हूं, उसको देखो और रियलाइज होगा कि कैसे स्टेप बाई स्टेप बढ़ते हैं। और ये 15 पार्ट में कंप्लीट होने के बाद आपको फील होगा कि सारे क्वेश्चन आपके मेंस के भी बनेंगे। अदरवाइज आपने करा तो दिया हूं सारे सब्जेक्ट, मैथ के सारे टॉपिक्स आप पढ़ के देख लेना, फिर भी आपसे नहीं बनेगा, बिकॉज की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। उसी तरह मैं एडवांस मैथ भी करा रहा हूं, नंबर सिस्टम करा रहा हूं, उसमें देखो नंबर सिस्टम में जैसे मैंने यूनिट डिजिट कराया, तो यूनिट डिजिट से जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए थे सारा कुछ, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन करा दिया हूं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरो निकालना, कि शून्यों की संख्या क्या होगी, तो उसके भी टाइप वाइज मैंने करा दिया। नेक्स्ट टॉपिक मैं एडवांस मैथ में नंबर ऑफ फैक्टर स्टार्ट करूंगा। तो इस तरह से आपको मैथ की 2 वीडियो मिलेगी डेली। ठीक है, और ये, और दूसरी बात, ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, जो मैंने अभी तक मैथ कंप्लीट कराया था वो हिंदी में कंप्लीट कराया था, अब मैं दोनों भाषाओं में एक साथ लेके करा रहा हूं कि दोबारा कभी मेरे को वीडियो मैथ की बनानी ना पड़े। सेकेंड पॉइंट, जीके जीएस की 2 वीडियो मिलेगी। जीके जीएस की 2 वीडियो का मतलब क्या है, देखो जीके जीएस में आपको मैं जनरल साइंस कराऊंगा, क्योंकि जनरल साइंस के पीछे इसलिए लॉजिक है, क्योंकि देखो रेलवे के बहुत सारे रेलवे के एग्जाम लोग देते हैं। रेलवे का मतलब क्या है, कि देखो इस बार रेलवे का भी फॉर्म 1 करोड़ लोग से ज्यादा लोग भरे हैं। तो रेलवे में आपको मेनली मेन जो पोर्शन है वो क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर ये तीनों जिसका स्ट्रांग होगा वो क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग और ये सभी सारे कॉमन है, सारे लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है, कि मैं 2 वीडियोज दूंगा ना, तो एक वीडियो आपको फिजिक्स की दूंगा और एक वीडियो आपको दूंगा केमिस्ट्री की।
मैं अब दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके चलूंगा। अभी तक आपका केमिस्ट्री के प्रति रिस्पॉन्स था कि आप पढ़ाने का तरीका जो भी आपको पसंद आया ठीक है, उससे भी कहीं ज्यादा केमिस्ट्री से ज्यादा आपको फिजिक्स पसंद आएगा। क्योंकि फिजिक्स में क्या है ना, देखो केमिस्ट्री में कुछ चीजें आपको याद करने वाली चीज होती है कि विदाउट याद किए उसको नहीं कर सकते, लेकिन फिजिक्स है ना टोटल रियल लाइफ सिचुएशन है। रियल लाइफ सिचुएशन का मतलब क्या है, जैसे देखो मतलब कल से मैं आपको फिजिक्स में फिजिक्स भी स्टार्ट करूंगा तो पहला टॉपिक हीट कराऊंगा ठीक है। तो सबसे पहले आपको हीट के बारे में जानना पड़ेगा, टेम्परेचर के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो टेम्परेचर होता क्या है, सेकेंड चीज आपको रियल लाइफ सिचुएशन में क्या बता रहा हूं। जैसे देखो आप गर्मी के दिन में, गर्मी समर के टाइम आप क्या करते हो, गर्मी के दिन में आप याद रख लेना, एक तो काला कपड़ा पहन लेना और दूसरा व्हाइट कपड़ा, मतलब जिसको बोलते हैं उजला कपड़ा ठीक है, ब्लैक और क्या व्हाइट। तो दोनों में आपको फील होगा कि ब्लैक में आपको ज्यादा गर्मी लगेगी और व्हाइट में क्या आपको कम गर्मी लगेगी। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो ब्लैक कलर है ना वो क्या करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पूरा का पूरा टेम्परेचर जो उसके ऊपर पड़ेगा तापमान उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अवशोषित कर लेगा, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसीलिए जब टेम्परेचर इस बॉडी पे आएगा, इस कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर को, तो ऑलरेडी है आपको गर्मी बहुत ज्यादा फील होगी। और अगर व्हाइट कपड़ा की बात करें, अगर व्हाइट कपड़ा में जो भी टेम्परेचर आता है ना, जो भी टेम्परेचर यहां पे आता है, ये पूरा का पूरा उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, 100% रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसकी वजह से ये आपको गर्मी कम फील होगी, टेम्परेचर कम फील होगा, मतलब अपनी बॉडी के पास टेम्परेचर कम फील होगा। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, इसीलिए बोला जाता है कि गर्मी के दिन में आपको व्हाइट कपड़ा ज़्यादा पहनना चाहिए और ब्लैक कपड़ा कम पहनना चाहिए। और इसके अपोजिट बोला जाता है, जाड़े के दिन में आपको ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना चाहिए और व्हाइट कलर के कम पहनने चाहिए। तो इसके पीछे भी रीजन है। आज जैसे मैं जब हीट कराऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, आप फ्रिज यूज करते हो ना, फ्रिज घर में आपके पास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, तो फ्रिज यूज करते हो, तो आप देखो फ्रिज में क्या होता है, अपर सेक्शन में फ्रीजर होता है, जिसमें हम कोई भी चीज जैसे आइसक्रीम जमाते हैं, दूध को रखते हैं। क्योंकि फ्रीजर जो पार्ट, देखो चाहे आपके पास रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जो है सिंगल डोर का हो चाहे डबल डोर का हो, उसमें जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ना वो फ्रीजर होता है। उसमें जैसे आपको बर्फ जमाना है तो आप क्या रखते हो, फ्रीजर में रखते हो पानी को, और आइसक्रीम भी जमाना है तो क्या रखते हो, फ्रीजर में रखते हो। इसके पीछे लॉजिक इसके पीछे भी है, ये नहीं क्यों नहीं नीचे क्यों नहीं दे दिया जाता, ऊपर ही क्यों फ्रीजर का सेक्शन दिया जाता है, तो इसके पीछे भी लॉजिक है। इसीलिए मैंने बोला पूरी फिजिक्स रियल लाइफ सिचुएशन है, बहुत मजा आएगा सेशन में जब मैं कराऊंगा, कल से आपको फिजिक्स भी कराऊंगा ठीक है। अब थर्ड पार्ट आता है, अब कुछ लोगों के मन में डाउट हो रहा है कि आज वीडियोज मिलेगी कि नहीं, तो मैं बता दूं आज आपको वीडियोज मिलेगी। क्या क्या वीडियोज आज क्या दूंगा वो भी चीज बताता हूं। जैसे देखो आज आपको किस चीज की वीडियो देने वाला हूं, टुडे आज आपको वीडियोज क्या मिलेगा, दो वीडियोज मैथ की मिलेगी, किसकी, टाइम एंड वर्क ठीक है। मैं दो सब्जेक्ट लेके चल रहा हूं ठीक है, आज आपको वीडियोज दूंगा। देखो आज वीडियो दूंगा टाइम एंड वर्क की, दो वीडियो दूंगा। सेकेंड में फास्ट मैथ कैलकुलेशन की तीन पार्ट रहती थी, तो तीन वीडियोज यहां पे मिलेगा आज फास्ट मैथ कैलकुलेशन की सीरीज की ठीक है। इसमें मैं आज आपको इसमें तीन वीडियो में मैं एक दूंगा कि मल्टीप्लाई 11 से कैसे आसानी से शॉर्ट अप्रोच से करते हैं, दूसरी चीज मैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और थर्ड चीज क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। और तो इस तरह से आपको टोटल आज पांच वीडियोज मैथ की मिलेगी, और तीन वीडियोज आपको दूंगा जीके जीएस में भी आपको केमिस्ट्री की। देखो केमिस्ट्री में मैंने पहला टॉपिक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना, ये मैं टॉपिक आपको कंप्लीट करा चुका हूं। 127 क्वेश्चन आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करा चुका हूं। अब तक मैं जितने भी एसएससी एग्जाम्स में सीपीओ एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2017 तक सारा कंप्लीट करा चुका हूं, और इसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हूं ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक चल रहा था रेडियो एक्टिविटी में आपको को 50 क्वेश्चन करा चुका हूं, पांच पार्ट दे चुका हूं, टोटल 85 क्वेश्चन है। आज रेडियो एक्टिविटी चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आज तीन वीडियो दूंगा 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और आज इसकी पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ठीक है।
यहां तक आप ध्यान रख लो। यानी आज आपको टोटल कितनी, 5 वीडियोज मैथ की और 3 वीडियो जीके जीएस की मिलेगी, ठीक है। यानी टोटल आज मैं आपको वीडियो 8 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अब एक दिन में 8 वीडियो से ज्यादा मेरे को नहीं दे सकता, बिकॉज कि बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा मेरे ऊपर भी। 8 वीडियो भी मैं दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं आपको ये चीज दूंगा। और कल से शेड्यूल क्या है, कल से शेड्यूल यह है कि मंडे टू फ्राइडे, अब आपको कल से शेड्यूल का ये जो है अब रेगुलर शेड्यूल का पैटर्न है। आज का शेड्यूल मैंने बता दिया कि आज आपको क्या देने वाला हूं, 5 वीडियो मैथ की दूंगा। 5 वीडियो मैथ में भी आपको 2 टाइम एंड वर्क का 2 रहेगा, और 3 आपको फास्ट मैथ कैलकुलेशन का जो लेफ्ट पोर्शन था वो, और 3 वीडियोज आपको रेडियोएक्टिविटी का दूंगा, केमिस्ट्री में जो टॉपिक है। आज आपका रेडियोएक्टिविटी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि कल से क्या करूंगा, कल से आपको 2 वीडियो मैथ की दूंगा, जो मैं टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूं उसमें प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। आप जो लोग देख रहे होंगे टाइम एंड वर्क या मेरा नंबर सिस्टम, सबसे पहले चीज की क्या बाइलिंगुअल फॉर्मेट है, चाहे वो आप साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, वेस्ट रीजन से हो, किसी भी रीजन से हो, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आती है कि इसमें मैं मेंस के क्वेश्चन के लेवल तक ले जा रहा हूं, मेंस के क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं। तो जो लोग नहीं सोच रहे हैं कि ये मैथ नहीं देखेंगे, अब यकीन बता रहा हूं कि SSC CGL 2018 में जो मेंस तक के लेवल को मैं कवर करा रहा हूं, तो आपको देखने का हक बनता है। थर्ड चीज, जीके जीएस की 2 वीडियो दूंगा, तो 1 वीडियो केमिस्ट्री का दूंगा और 1 वीडियो आपको फिजिक्स का दूंगा, दोनों साथ लेके चलूंगा। और केमिस्ट्री का मैंने अगर आज वीडियो दूंगा 3, उसके बाद केमिस्ट्री के 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके रहेंगे। और मैं ट्राई करता हूं कि केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी ट्राई करूंगा कि आपको रेलवे के एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप जब रेलवे का एग्जाम दे के आओ ना, तो आपको फील होगी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगेन मैं बता दूं कि मेरा साइंस पढ़ाने का थोड़ा सा नजरिया डिफरेंट है। साइंस में इस वजह से पढ़ाता हूं कि आपके, चाहे आप BPSC की कोई भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन करोगे, तो उससे ज्यादा वो सफिशियंट है। और थर्ड चीज, आपको मैंने इंग्लिश के लिए भी रोका नहीं है, इंग्लिश की भी कंटिन्यू सीरीज। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपके पास, देखो बिल्डिंग कोई भी चीज बनती है ना, ये बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, सारे लोगों को पता है बिल्डिंग है। इंग्लिश की बिल्डिंग जो ये खड़ी हुई है ना, इतनी बड़ी इमारत इंग्लिश की, वो किस पे टिकी हुई है, वो जो बेसिक चीज है वो है वोकैब। अगर आपके पास वोकैब की नॉलेज नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात, अब बात आती है वोकैब आप क्या करते हो, वोकैब को रटते हो, नहीं यार, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करो। कल जब आप मेरी इंग्लिश की वीडियोस देखोगे ना, वोकैबुलरी की जो सीरीज में हो सकता है 30 से 40 आपको वीडियोज में वोकैबुलरी की स्टार्ट दूंगा, सिक्वेंस वाइज डेली आपको मिलेगी। उस वोकैबुलरी में आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, ऐसा नहीं है कि इसका वोकैबुलरी, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी मीनिंग ये है, साइनोनिम ये है, नहीं। मेरा वोकैबुलरी कराने के पीछे पहला चीज, आपको मीनिंग दूंगा कि इसकी मीनिंग ये होती है, समझाऊंगा पूरी। उसके बाद आपको मैच द कॉलम दूंगा, सेम जो चीज आप पढ़े हो मैच द कॉलम की, आपको इसका क्या होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन में होगा, आप वोकैबुलरी पढ़ो रहोगे बनेगा। उसके बाद आपको क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक दूंगा, फिल इन द ब्लैंक, उसी जो वोकैबुलरी 10 वोकैबुलरी 10 वोकैबुलरी मैं डेली लेके चलूंगा, ये आपको इतना जबरदस्त फील होने वाला है और इतनी इंप्रूवमेंट आपकी होने वाली है कि इंग्लिश भी बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इंग्लिश आसान लगना स्टार्ट होगा, 30-40 लेक्चर वोकैब के हो जाएंगे, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा ग्रामेटिकल पोर्शन। और साथ ही साथ मैं आपको को जो भी स्पॉटिंग ईरर है, जितने भी मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों लेके चलूंगा। लेकिन पहले आपकी वोकैबुलरी को बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और रीजनिंग, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि रीजनिंग कंप्लीट कैसे होगा, तो रीजनिंग के लिए मैं सैटरडे संडे, देखो मंडे टू फ्राइडे डेली ये दूंगा, सैटरडे संडे फ्री रहूंगा तो आपको ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा एक एक, क्योंकि रीजनिंग में एक दिन में एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बड़ी चीज नहीं है रीजनिंग। रीजनिंग ऑलरेडी 90% लोग कह रहे थे रीजनिंग तो हम बना लेते हैं, 25 क्वेश्चन जो में 23 क्वेश्चन तक बना लेते हैं, तो रीजनिंग ये सभी के लिए आसान है। और SSC की रीजनिंग, SSC एग्जाम्स की रीजनिंग ऑलरेडी है, ईजी आती है, उतना टफ नहीं आता जितना बैंक लेवल की रीजनिंग आते हैं, ठीक है। तो आप रीजनिंग के लिए भी मैं कराऊंगा, तो सैटरडे संडे मौका मिलते ही, सैटरडे संडे मैं फ्री रहा तो एक दिन में, सैटरडे या संडे में कोई एक दिन में एक टॉपिक्स मैं रीजनिंग की भी कंप्लीट करा दूंगा। तो ये मेरा था कंप्लीट डिटेल्स आपको। अब बात आती है, देखो सबसे मोर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि आपको, बहुत लोगों का डिमांड है, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वीडियो की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम
पे मिलेगा। अब टेलीग्राम, कुछ लोग, बहुत लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप, नहीं यार, व्हाट्सएप पे 250 पीपुल ही एक टाइम पे एडजस्ट हो गए, लेकिन जो टेलीग्राम है ना, इस पे आपको कितना भी 1 लाख पीपुल भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह टेलीग्राम भी एक क्या है, व्हाट्सएप की तरह ही ऐप्स है। जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे तो ऑलरेडी 90% स्टूडेंट्स को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो क्या करें, अपने प्ले स्टोर में जाके इस ऐप्स को डाउनलोड कर लें। और मैं इसका लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में, जैसे आप कल कमेंट्स किए थे वहां पे, आज मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, आपको उस लिंक पे, सबसे पहले आपके पास टेलीग्राम ऐप्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो। उसके बाद इस कमेंट्स के लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करोगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, और ज्वाइन के बाद आप ज्वाइन नाउ हो जाइएगा। उसके बाद देखो, आज मैं आपको क्या करूंगा, रेडियो एक्टिविटी जो केमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक आज कंप्लीट होगा, उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ऑलरेडी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कराया था, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था। अगर नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं कि आप ज्वाइन कर लो, यहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, सेकेंड वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और कुछ नई चेंजिंग इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको यहाँ पे चीजें आपको दी जाएगी, मेरे द्वारा दी जाएगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, ज्वाइन जरूर कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन मिले, पीडीएफ मटेरियल मिले। बहुत लोग पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो पीडीएफ यहीं पे मिलेगी आपको, और कहीं नहीं मिलेगी। इस तरह से मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया। आज अगेन मैं बता दूं कि आज आपको क्या क्या देने वाला हूं, आज की टाइमिंग, आज जो है, आज आपको 2 वीडियोज आपको टाइम एंड वर्क की मिलेगा, और 3 वीडियोज आपको फास्ट मैथ कैलकुलेशन की दूंगा, ठीक है, फास्ट मैथ कैलकुलेशन की दूंगा। 3 वीडियोज आपको जीके जीएस की दूंगा। जीके जीएस में आज आपको जो केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, रेडियो एक्टिविटी, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया हूँ, टोटल 85 क्वेश्चन है, यानी 35 क्वेश्चन है, ये 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ भी आज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, इसीलिए मैंने बोला था कि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो चीज़ कर लें। और कल से शेड्यूल ये है, कल से आपको रेगुलर क्या मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे को भी क्या होता है, कंटेंट बनाना होता है, जब तक कंटेंट नहीं बनेगा मैं वीडियो दे ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए 2 दिन मेरे को कंटेंट बनाने में लगेंगे, ताकि मैं 1 वीक का प्लान अच्छे से कर सकूं। तो मैथ की 2 वीडियो डेली दूंगा, जीके जीएस की 2 वीडियो, 1 वीडियो केमिस्ट्री और 1 वीडियो फिजिक्स की, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था कि सर फिजिक्स हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिजिक्स भी स्टार्ट हो गया, और फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री से भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और रही बात इंग्लिश, तो इंग्लिश भी मैं कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, बंद नहीं कर रहा हूँ, वोकैबलरी से स्टार्ट करूंगा। मैंने वोकैबलरी का पैटर्न बता दिया हूँ कि देखो मेरा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। वोकैबलरी का मतलब क्या है, मैं आपको डेली 10 वोकैब कराऊंगा, और ये 10 वोकैब नहीं है रियल में, ये बहुत फायदेमंद होने वाला, अदर लोगों की तरह मेरे को नहीं करना है। 10 वोकैब दूंगा, 10 वोकैब के बाद आपको मैच द कॉलम दूंगा, मैच द कॉलम प्रैक्टिस के लिए, सेम मैच द कॉलम वही 10 वोकैबलरी में से ही आएगा, ठीक है, ये नहीं कि उससे बाहर आएगा, ठीक है। मैच द कॉलम के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक दूंगा, फिल इन द ब्लैंक की उसी में से जो 10 वोकैबलरी कराया था उसी को फिल इन द ब्लैंक के सेंटेंस के फॉर्मेशन में दूंगा। थर्ड आपको एस और नो की कंडीशन होगी, एस और नो की कंडीशन की क्या ये सत्य है या असत्य है आपको, यानी कि ये 10 वोकैबलरी ये 3 प्रोसेस से, देखो पहली बार मीनिंग जाने, दूसरी बार मैच ऑफ द कॉलम में कर लिए, तीसरी बार फिल इन द ब्लैंक, और चौथी बार क्या आपको एस और नो, देखो कितना बेनिफिट होने वाला है। जो जिस तरह से मैं वोकैबलरी कराऊंगा, एक बार आपको मीनिंग, जो मैं मीनिंग बताऊंगा वो मीनिंग याद करना है। सेकेंड टाइम्स आप मैच द कॉलम करोगे, आपकी थिंक बढ़ जाएगी कि मैंने जो पढ़ा था वो कैसे आपको अरेंज करना है सेंटेंस में। थर्ड आएगा फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक से क्या होगा कि आप जब मीनिंग भरोगे ना, देखो मीनिंग खुद कॉपी पे भरना, मीनिंग भरने से क्या होगा आपका स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग जो चेक आपसे प्रॉब्लम होती है, जैसे देखे होगे कि CHSL और CGL में 1-2 क्वेश्चन स्पेलिंग चेक के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे क्या होगा आपके लिखने की हैबिट बन जाएगी। जैसे मेरे को ईगोइस्ट लिखना है तो ईगोइस्ट लिखूंगा, ठीक है, अल्ट्रुइस्ट लिखना है, ALTRUIST अल्ट्रुइस्ट लिखना है, तो ये सब चीजें लिखने की, फिल इन द ब्लैंक से क्या होगा आपको लिखने की हैबिट बन जाएगी। और आप सही लिखोगे तो ऑलरेडी है करेक्टनेस आएगी, और जो रॉन्ग आपको लिखने की स्टेटमेंट थी वो भी खत्म हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट एस और नो का मतलब क्या है, जस्ट लाइक जीके की तरह वही चीज फिर से रिपीट होगा, यानी 1 वोकैबलरी आपको 4 प्रोसेस में होगा। यकीन मानो कल से वोकैबलरी देखेंगे तो आपकी मतलब जो पढ़ने की स्टाइल थी ना इंग्लिश की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये प्रोसेस है,
मैंने अगेन बता दूं, ये ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ें, जैसे आज मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ रेडियो एक्टिविटी की, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। अब कोई भी आप जितना मर्जी कमेंट्स कर लो, अब मैं ये चीज़ें चेंज नहीं करने वाला हूँ, यही प्लान है, और आपके अकॉर्डिंग मैंने, आप कल जो कमेंट्स किए थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें तैयार की है। तो आज अब से सिर्फ आप वो करो, वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बता दिया कि आज आपको शाम तक, ये जो ये था ना शाम तक, ये टोटल 8 वीडियोज, 5 वीडियोज आपको मैथ के और 3 वीडियोज आपको क्या जीके जीएस के, केमिस्ट्री के, तो इस तरह से टोटल आज 8 वीडियो दूंगा और कल से वो शेड्यूल आपका ये वाला प्रोसेस चालू है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम आज के वीडियो में, थैंक यू।